हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम के बारे में, यानी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम को एकदम आसान से आसान तरीके से निकालना सिखाने वाला हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो अधिकतर स्टूडेंट होते हैं वे बड़ी क्लासों में आ जाने के बाद भी एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें एलसीएम की कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी संख्या का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखें, एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। यानी कि एलसीएम की जो हिंदी का मतलब होता है वह होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तीय, या इसे आप लैसे भी कहते हैं। और एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है हमारी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब फ्रेंड देखिए, इस वीडियो में आपको एलसीएम के दो सवाल सिखाने वाला हूं। देखिए, पहला सवाल है हमारा 4, 18 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है, और दूसरा सवाल है हमारा 20, 45 और 60 का हमें एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड्स, अब इन दोनों सवालों को मैं एक एक करके सोल्व करूंगा और आप इन दोनों सवालों को ध्यान से समझ लीजिएगा। इन दोनों सवालों को समझने के बाद आप किसी भी संख्या का एलसीएम आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं पहले सवाल की। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सवाल की। सवाल है हमारा 4, 18 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन्हें इस तरह लिख लेना है, यानी कि 4, 18 और 30 को। अब फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लाइन ऐसे खींच लेनी है और कुछ लाइन इसके नीचे इस तरह खींच लेनी है। तो देखिए, मैं खींच लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, हमने इस तरह अब लाइन खींच ली। अब क्या करना है, अब हमें इन तीनों नंबरों में सबसे छोटे से छोटे पाड़े से डिवाइड करना है। यानी कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम छोटे नंबर से ही डिवाइड करते हैं। देखिए, अब सबसे छोटा नंबर क्या होगा हमारा 2। देखिए, 2 से इसमें भी डिवाइड जा सकता है, 18 में भी और 30 में भी। यानी कि 2 से हम तीनों नंबरों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। देखिए, 2 से 4 को काटेंगे तो यह जाएगा हमारा 2 बार, यानी कि 2 × 2 = 4। अब देखिए, अब 18 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 9 बार, यानी कि 9 × 2 = 18। और 30 ये जाएगा हमारा 15 बार, यानी कि 15 × 2 = 30। अब फ्रेंड्स, अब क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है। तो देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 2 है, तो इसमें हम सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। देखिए, 2 से काटेंगे इसको, 2 से 2 जाएगा हमारा 1 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 2। अब फ्रेंड्स देखिए, 9 और 15 नहीं जाएगा, तो फ्रेंड्स जो नंबर हमारे कटते नहीं है उन्हें हम सेम लिख लेते हैं, यानी कि 9 का 9 आ जाएगा हमारा और 15 का 15। अब फ्रेंड देखिए, अब 9 और 15 तो हमारे 2 से जाएंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी कि 2 के बाद आएगा हमारा 3। तो फ्रेंड देखिए, 3 से 9 और 15 हमारा कट जाएगा, तो इसे हम सबसे पहले 3 से ही काटेंगे। देखिए, 3 से काटेंगे, 1 का 1 आ जाएगा, और 9 कितनी बार जाएगा, यह जाएगा हमारा 3 बार, 3 × 9। अब फ्रेंड देखिए, 15 3 से कितनी बार जाएगा, यह जाएगा हमारा 5 बार, 5 × 15। अब फ्रेंड्स, अब क्या करना है, अब भी हमें 3 से ही काटना है। सबसे पहले हम छोटे नंबरों से ही डिवाइड करते हैं। देखिए, 1 का 1 आ जाएगा, 3 कितनी बार जाएगा, 3 × 3, यानी कि 1 बार। फ्रेंड्स, 5 नहीं कटेगा तो 5 का 5 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स, अब क्या बचा है हमारा, अब बचा है सिर्फ 5। तो फ्रेंड्स, 5 केवल अपने पाड़े से ही कटेगा, तो इसे हम 5 से काट लेते हैं। देखिए, 1 का 1 आ जाएगा, यह भी 1 आ जाएगा, और 5 × 5 यानी कि 1। तो फ्रेंड्स, जब हमारा 1 1 आ जाता है तो हमारा एलसीएम समाप्त हो जाता है। अब फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें जिन नंबरों से हमने इन्हें काटा है उनकी आपस में गुणा करनी होती है। यानी कि 2 की पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे, और फिर इसकी इसमें, और फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे, यानी कि सभी के आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए, गुणा करेंगे आपस में, पहले लिखेंगे 2 × 2 × और फिर क्या है हमारा 3 लिख लेंगे, फिर एक और बार 3 है तो 1 बार 3 और लिख लेंगे, फिर हमारा लास्ट में है 5। अब फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों की आपस में गुणा कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, गुणा करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, और 36 और 5 की गुणा करेंगे तो देखिए, यह हो जाएगा हमारा 36 × 5, 5 × 30, तो यह हो जाएगा हमारा 30 की 0 हासिल लगेगा 3, यानी कि 5 × 30 और 3 हासिल लग जाएगा, 5 × 15 और 15 और 3 हो जाएगा हमारा 18। यानी कि फ्रेंड, जो हमारा एलसीएम होगा वह होगा हमारा 180, एलसीएम बराबर आ जाएगा हमारा 180। तो फ्रेंड्स, जब हम 4, 18 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 180, ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। देखिए, दूसरा सवाल भी हमारा ऐसा ही है। दूसरा सवाल है हमारा 20, 45 और 60 का हमें एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इन्हें इस तरह लिख लेना है, यानी कि 20, 45 और फिर 60। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी की तरह ऐसे लाइन खींच लेनी है, यानी कि इस तरह कुछ लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। तो देखिए, खींचते हैं तो
तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह लाइन खींच ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों नंबरों में सबसे छोटे से छोटे पहाड़े से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 से हमारा 20 भी कट सकता है और 60 भी कट सकता है। 45 नहीं कटेगा तो हम 45 को सेम लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम छोटे नंबर से ही काटेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 20 कितनी बार जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा 10 बार, 10 दूनी होता है 20। अब 45 नहीं कटेगा तो 45 हम सेम लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स अब देखिए ये जाएगा 3 बार, यानी कि 2 3 6 और 0 की 0, यानी कि 30 बार चला जाएगा। अब फ्रेंड्स अब क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है। हमें करना है सबसे पहले 2 से। तो देखिए 2 से 10 जाएगा 5 बार, यानी कि 5 दूनी 10, और 45 नहीं कटेगा तो 45 हम सेम लिख लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए 30 कितनी बार जाएगा, 30 जाएगा हमारा 15 बार, यानी कि 15 दूनी होता है 30। अब फ्रेंड्स देखिए अब ये 2 से नहीं जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं 45 और 15 हमारा 3 से कट सकता है। तो सबसे पहले हम इन्हें 3 से ही काटेंगे। फ्रेंड्स आप 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें छोटे नंबर से काटना चाहिए। देखिए अब 5 नहीं कटेगा तो 5 हम सेम लिख लेंगे। अब 45 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 15 बार, क्योंकि 15 होता है हमारा 45। और देखिए 15 ये जाएगा हमारा 5 बार, 5 होता है हमारा 15। अब फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, अभी हमें 3 से ही काटना है, क्योंकि हमारा 15 3 से कट सकता है। देखिए 3 से काट लेंगे इसे, 5 का 5 आ जाएगा सेम, ये जाएगा हमारा 5 बार, 5 क्या होता है 15। और फ्रेंड्स अब हमारा आ जाएगा 5। अब फ्रेंड्स देखिए तीनों नंबर 5 हो गए, तो इसे हम 5 से ही काट लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 5 केवल 5 से ही कट सकता है। देखिए 5 आ जाएगा 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब फ्रेंड्स अब हमारा 1 1 आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जिन नंबरों से हमने इन्हें डिवाइड किया है उसकी आपस में गुणा कर लेनी है। तो देखिए इसकी इसमें गुणा कर लेंगे, फिर इसकी इसमें गुणा कर लेंगे, फिर इसकी इसमें और फिर इसकी इसमें, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए अभी हमने जो पहला सवाल सोल्व किया था उसमें हमारे जो नंबर बन रहे थे वो भी हमारे यही बन रहे थे, यानी कि 2 2 3 3 और 5। तो फ्रेंड्स जब हम इनके आपस में गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम 180 ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे दूसरे सवाल का भी जो एलसीएम होगा वह भी हमारा 180 ही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप किसी भी संख्या का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले और दूसरे सवाल में तीनों संख्याएं अलग अलग ली थी, लेकिन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमारा 180 ही आ गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा कभी कभी होता है। तो फ्रेंड्स आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा और इस तरह आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी संख्या का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।